राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र का 17वां सावन को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र को जिम्मेदार ठहराया। सीएम गहलोत ने कहा कि पिछली बार बीजेपी के लोगों के दबाव में राज्यपाल ने विधानसभा सत्र नहीं बुलाया था, इसलिए इस बार हमने जानबूझकर 17वां सावन नहीं किया। सीएम ने कहा कि जब बहुमत नहीं होता तो राज्यपाल निर्देश देता है कि सरकार अपना असेंबली बुलाकर अपना बहुमत सिद्ध करे। राजस्थान में उल्टा हो गया, हम विधानसभा सत्र बुलाना चाह रहे थे और राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दे रहे थे, इसलिए यह नौबत आई कि हमने जानबूझकर विधानसभा सत्र का 17वां सावन नहीं किया। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी के नेता विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर धरना दे रहे हैं, इनसे पूछो कि यह नौबत क्यों आई, असेंबली लगातार रखी गई क्यों। उल्लेखनीय है कि आज विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने स्पीकर सीपी जोश के कक्ष में पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। कटारिया ने गहलोत सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। सदन में काफी हंगामा हुआ, दो बार कार्यवाही स्थगित की गई। इसके बाद दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सीएम गहलोत ने कहा कि नई विधानसभा इसलिए नहीं बुलाई क्योंकि पता नहीं बीजेपी की नीयत कब खराब हो जाए, फिर सरकार गिराने की कोशिश हो जाए। यह तो कभी भी सरकार गिरा सकते हैं, इसलिए नियमित विधानसभा का निर्णय जानबूझकर किया है। गहलोत ने कहा कि इसकी वजह से हम कोई अध्यादेश लाते वह नहीं ला पाए। सीएम ने विधानसभा सत्र में बीजेपी विधायकों के हंगामे के बाद राजधानी जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी ने जो कि नया मॉडल बनाया देश के अंदर सरकार गिराने का, ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अब दूसरे राज्यों में उनकी नजरें हैं, यह अच्छी बात नहीं है। बीजेपी ने अपने आप में हॉर्स ट्रेंडिंग का और सरकार गिराने का मॉडल बना दिया है। जिस तरह से विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल की भूमिका रही उसको लेकर संपादकीय लेख पहले कभी नहीं लिखे गए। गहलोत ने कहा कि यह भी अपने आप में एक इतिहास है, जब बहुमत नहीं होता तो राज्यपाल निर्देश देता है कि सरकार अपना असेंबली बुलाकर अपना बहुमत साबित करे। यहाँ उल्टा हो गया, हम विधानसभा सत्र बुलाना चाह रहे थे और राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दे रहे थे, इसलिए यह नौबत आई कि हमने जानबूझकर विधानसभा सत्र का 17वां सावन नहीं किया। सीएम गहलोत ने बीजेपी के धरने पर कहा कि आज ये धरना देकर नाटक कर रहे हैं, नाटक करना है, धरना देना है तो दिल्ली में जाइए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।